मुझे याद है जिस दिन लता जी का देहांत हुआ, आपने कहा सिर्फ एक आवाज़ नहीं गई है, एक इंस्टीट्यूशन चला गया है। बिल्कुल लता जी, सिर्फ मेरे लिए नहीं, वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग म्यूज़िक से कनेक्ट करते हैं, इस आर्ट को प्यार करते हैं, लता जी उनके लिए गॉडेस हैं और हमेशा रहेंगी। और मैं ये बात कह नहीं सकती कि वो हमारे बीच नहीं है, क्योंकि उनकी आवाज़ जितने दिलों को छुई है वर्ल्ड वाइड, आई थिंक वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। तुलसी, 2009 में आपकी मुलाकात हुई लता जी से, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस अनुभव को प्राप्त कर पाए हैं, क्योंकि लता जी एक तो बहुत कम लोगों से मिलती भी थी, लेकिन जिन लोगों को इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ उनमें से एक आप हैं। तो उस याद को आपने कैसे संजोया है आज, अगर आप हमें बता सकें? बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ, बिकॉज़ लता जी जैसी शख्सियत से मिलना आई थिंक मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि म्यूज़िक मेरे दिल के बहुत करीब है और लता जी म्यूज़िक के बहुत करीब रही हैं। और जब मैं अपना एल्बम लॉन्च कर रही थी, 2009 में मेरा डेब्यू एल्बम लव हो जाए जब रिलीज़ हुआ, तो आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी टू मीट लता जी। मैं उनके घर गई, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी, तो मेरे लिए वो पूरा जो मीटिंग सेशन था लता जी के साथ, दैट विल बी वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। एंड मुझे याद है उन्होंने मुझे कुछ टिप्स भी दिए, ये तो कहा ही कि रियाज एक चीज़ है जो हमेशा हमेशा जारी रखना, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि खर्च का रियाज। ये दो बातें मुझे हमेशा याद रहेंगी, क्योंकि मेरी उस मुलाकात में लता जी ने, जब मैं शुरुआत कर रही थी, ये मुझे टिप्स दिए, एंड दैट इंटायर मोमेंट विथ हर विल बी वेरी वेरी स्पेशल टू मी ऑलवेज। आपको जो मुलाकात के दौरान बातचीत हुई वो याद रहा, लेकिन जब आप किसी एक ऐसी शख्सियत से मिलते हैं और रूबरू होते हैं जिसको आपने हमेशा आइडियलाइज़ किया है, जिसके साथ आपने कहा कि मैंने अपने म्यूज़िक सफ़र की जब शुरुआत की तो मैं उनका आशीर्वाद लेना चाहती थी, जब आप एक ऐसी शख्सियत से मिलते हैं तो नम हो जाते हैं, खुशी का एहसास होता है, एक मिक्स्ड इमोशन बैग होता है वो, आप कैसे उसको डिस्क्राइब करें? एक्चुअली बैक देन मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, और मेरे को याद है कि मैं बहुत एक्साइटेड थी। आई थिंक मेरे लिए वो एक्साइटमेंट लेवल बहुत था, बिकॉज़ म्यूज़िक की जर्नी मैंने शुरू की जब मैं 6 साल की थी। मैंने जो पहला गाना गुनगुनाया वो लता जी का गुनगुनाया था ऑन कौन सा था माइक। वो? उनका एक गाना लग जा गले तो मेरे बहुत करीब है ही, पर एक और गाना दैट ऑलवेज इवोक्स इमोशंस विद इन मी इज तुझसे नाराज। तो वो गाना जब मुझे लगा कि शुरुआत इनकी आवाज़ सुन सुन के किया, आज जब मैं डेब्यू करने जा रही हूँ, मुझे मौका मिला है लता जी से मुलाकात का, तो एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई था। आई थिंक नमनेस से ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि आई थिंक आई वॉज वेरी यंग एंड आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हर।